लाइए फिर सुने वो भाई अंदर गए हैं, जैसे ही वो अंदर गए हैं तो वो पानी के अंदर मैं लाई बहुत ज़्यादा, कुछ जो है ना मछली मर गई होगी बेचारी, बहुत ज़्यादा गंदी समेल आ गई। निके दौर लगता पे कि नहीं? अच्छा अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो व्लॉग है वो बड़ा ही मज़े का बनने वाला है। मेरे पीछे जो पानी देने जो पानी नहीं है, ये फिश फार्म है, जीटी रोड के ऊपर आता है और सर्दी बहुत ज़्यादा है। और आज जो है ना वो आपको दिखाएंगे कि जिंदा मछली कैसी निकाली जाती है फार्म से। मेरे पीछे लोग जा रहे हैं, ये यहाँ से मछली निकालेंगे। और ये मेरा हेलमेट जमीन पर भरा हुआ है। सर्दी बहुत ज़्यादा फील हो रही है और ये माशाल्लाह 1, 2, 3 फिश फार्म है। मेरे सामने वाला तो बिल्कुल खाली हो चुका है, लेकिन जो पीछे पड़े हैं वो 2 फुल हैं। ये काफ़ी बड़े वाला है, निकालेंगे, वो जाल डाल रहे हैं। आपको मैं फ्रंट कैम से दिखाता हूँ। लेकिन ये हैं वो लोग जिन्होंने मछली निकाली, ये जाल लगा हुआ है, अब यहाँ से निकालेंगे। वो तेरी की सर्दी बहुत ज़्यादा है। ये यहाँ से निकाल के फिर ले के जाएंगे आगे। और ये जिसके मैं जूम कर रहा हूँ, ये है जनाब पंप, इसके थ्रू पानी डाला जाता है इसके अंदर। और इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा फार्म है, फिश फार्म आपको नज़र आ रहा होगा। ये तो सीन ये है कि ये है जी फार्म होता, मछली फार्म, काफ़ी बड़ा फार्म है ये, इसके पीछे भी है, बाकी ये छोटा है और ये खाली हो चुका है। ले जी ये एक अदर चिड़ा मिला है जो फौत हो चुका है, आंखें बेचारे की निकल गई हैं। उसके साथ वो भी है, एक और है। ये आपको जगह जगह ऐसे मिलेंगे। ये बन्ना बड़ा छोटा है, आधा बन्ना वैसे ही मिट्टी के अंदर नीचे जा चुका है। आज आपको दिखाया जाएगा जिंदा मछली कैसे पकड़ते हैं फार्म से। तो फार्म जीटी रोड के ऊपर है, बड़ा खूबसूरत फार्म, एक नहीं है 2-3 बल्कि 4-5 फार्म है। तो सर्दी भी है, धूप भी है और जनवरी भी है, तो मज़े तो आ रहे हैं ना। तो ये जो मेरे पीछे ना, ये काफ़ी बड़ा फार्म है पीछे वाला, तो धूप भी है और सर्दी भी है। जाल की तैयारी उन्होंने कर ली, फुल जाल रेडी किया उन्होंने, तो फेंकना है। उसके बाद फिर जितनी मछली आएगी उसको फिर आगे लेके जाएंगे, पानी के अंदर डालेंगे, साफ करके फिर जिंदा इसको सेल किया जाएगा। और मेरी कोशिश ये है कि कम अज़ कम 1-2 किलो ले ही लूँ। पानी ज़्यादा जो है ना गदला है, यानी गंदे रंग पानी, और फिश अंदर अभी तक नज़र नहीं आ रही। तकरीबन काफ़ी ज़्यादा जूम कर चुका हूँ। इस साइड पे ना मछली की स्मेल भी आ रही है, थोड़ी ज़्यादा ही है, क्योंकि यहाँ मरी भी काफ़ी ज़्यादा हुई है, इसलिए मुझे मास्क पहनना पड़ गया। स्मेल भी है यहाँ पे फिश की जो मर गई हुई है। ले जी पानी के अंदर जाल फेंक दिया गया है। यहाँ पे जोर का भी काफी ज्यादा इस्तेमाल होगा। जाल को तरतीब के साथ खोला जा रहा है। साथ भी एक छोटा सा फार्म है, ये लंबाई में बहुत ज्यादा है, लेकिन मछली इन्होंने निकालनी है यहाँ से, इस वाले छोटे फार्म से, क्योंकि यहाँ जो है ना कहते हैं कुछ ज़्यादा बताया जा रहा है कि एक दफ़ा एक जाल में से 5 से 10 मन जो है ना वो मछली निकलाती है। सूरज मुझे सीधा पा रहा है, ये जनाब सूरज आ रहा है यहाँ से नीचे से रिफ्लेक्ट होके मेरी आंखों में पा रहा है। और आज देखें जिंदा मछली पकड़ने का तरीका। हाय स्मेल आई है फिर उसमें, वो भाई अंदर गए हैं, जैसे ही वो अंदर गए हैं तो वो पानी के अंदर स्मेल आई बहुत ज़्यादा, कुछ जो है ना मछली मर गई होगी बेचारी, बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आ गई। स्मेल भी साथ साथ ही है ना, लेकिन इनकी हिम्मत है यार, इन्होंने मैंने 2-2 जैकेटें, फिर एक नीचे स्वेटर,
करना हुआ, लेकिन भाई जितने भी देखे ना बगैर सेफ्टी पर्पज के बैठे हुए हैं। ये देखें ये अब चल के जा रहे हैं और नीचे उतर गए हम लोग, उधर से वो भाई नीचे उतरे हैं और फिर ये यहाँ से कट्ठी काट के आगे लेके जाए। मुझे लगता है मुझे फ्रंट पे आना चाहिए। ये देखे ना ये जाला एक्सरसाइज चलना शुरू हो चुका है। वो देख सारे दौड़ लगा रहे हैं, जल्दी हो जा। निके दौड़ लगता पे कि नहीं? अच्छा तो भाई तुम किन्नी देर हो गए इतने काम कर दे? किन्नी देर काम हो गए कर दे हो गए दोनों साल? माशाल्लाह एक्सपीरियंस थोड़ा हो चंगा हो गया। ठीक हो गया जी। फार्म के करीब करीब आ चुके हैं और बताया जा रहा है की ये जो बाइक खड़ा है इसका जोर सबसे ज्यादा लग रहा है। फिश किनारों में बहुत ज्यादा है। और ये छोटा सबसे छोटा फार्म है जहाँ से निकाली जा रही है। सीजन ऑफ हो रहा है ना क्योंकि ज्यादा अक्टूबर नवंबर में बहुत ज्यादा रश होता है। अब दिसंबर एंड है और सॉरी जनवरी एंड है तो साथ से फिर जो है ना रश कम ही होगा। अब ये एंडिंग है, क्लोजिंग है, इस सारी को इकट्ठी कर लेंगे। तो सारे इकट्ठे हो रहे हैं ना, वो आ गई माशाल्लाह, वो आई है मछली ज्यादा यार यार रखे ने बोलो लांग छट के टोल गए। ये सबसे ज्यादा मछली यहाँ से आई है ना। ये भाई कजिन का सबसे ज्यादा तजर्बा 15-16 साल से ही यहाँ पे है और ये 10 साल से है। वो जी काफी बड़ा है। ये अब तोरे के अंदर डाल रहे हैं और उसके बाद ले जाएंगे आगे फ्रंट पे, फिर वहां से सेल शुरू होगी। वो पानी के अंदर जा रही है, वो जा रही है, जा रही जा रही ले जी फार्म से निकालने के बाद इसको यहाँ पे फेंक दिया जाता है तालाब के अंदर। ये साफ पानी क्या डालने के बाद यहाँ पे जो सेल होती है ना जिन्होंने लेनी होती है वो यहाँ से फिर ले लेते हैं। ये इनके सारे खुले हुए हैं, जो भी इनका सिस्टम है सफाई करने के बाद यहाँ से सेल कर। इनको किसी किस्म की एडवर्टाइजिंग की जरूरत नहीं होती है। लोग दरादर आते हैं, खास तौर पर कल संडे है और बहुत ज़्यादा रश होगा। ये पहला फार्म था, ये खाली हो चुका है क्योंकि जनवरी एंड है, इसलिए जो है ना फिश का भी टाइम एंड ही है। वो एंड वाला वहाँ से लेके आ रहे हैं फार्म से, तो ये फार्म जो है ना वो ख़त्म हो चुका है, यानी कि यहाँ से मछली निकाली गई है सारी। इसका एड्रेस जिंदा मछली सेल की जाती है GD रोड ओजना कलां, काफ़ी फेमस ये फिश पॉइंट है। यहाँ पर संडे फ्राइडे को ज़्यादा रश होता है, सैटरडे है और ये GD रोड है हमारी मेन। एक तोरा हो रहा है मछलियों का, उसको इसके अंदर डाल देंगे। अंदर जिंदा मछली बहुत ज्यादा है।
नई मछलियां भी शामिल हो गई तालाब के अंदर। बताया कि तीन तोरों में से 3-3.5 मन जो मछली ना वो निकाली जा चुकी है। ये था आज का व्लॉग कि जिंदा मछली फार्म से कैसे निकाली जाती है और कैसे सेल होती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर किया करें और वीडियो को शेयर जरूर करें और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दिया करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके।